धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की बेटी ईशा देओल और उनके पति भरत तख्तानी के अलग होने की खबरें पिछले कुछ वक्त से सुर्खियों में थी। इसी बीच ईशा देओल और उनके पति भरत ने तलाक की घोषणा कर दी। दोनों ने जॉइंट स्टेटमेंट में कहा कि हमने आपसी सहमति से अलग होने का फैसला किया है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने अपने बयान में कहा, हमने आपसी और सौहार्दपूर्ण तरीके से अलग होने का फैसला किया। जीवन में इस बदलाव के बावजूद हमारे लिए हमारी बच्चियों की भलाई सबसे जरूरी है और आगे भी रहेगी। हमारी निष्ठा का सम्मान किया जाए। बता दें कि दोनों बचपन के दोस्त हैं। इनकी पहली मुलाकात तब हुई थी जब ये 13 साल के थे। एक इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन के दौरान दोनों की मुलाकात हुई थी। पहली नजर में ही भरत ईशा पर दिल हार बैठे। ईशा हमेशा से चाहती थी कि उनका होने वाला पति उनके पिता धर्मेंद्र की तरह हैंडसम हो और उन्हें भरत में ये सारी बातें दिखाई दी। इसके बाद ईशा ने एक टिश्यू पेपर पर अपना नंबर लिखकर भरत को दिया। दोनों के बीच फिर खूब बातचीत होने लगी। धीरे धीरे दोनों की दोस्ती गहरी हो गई। हालांकि दोनों की अलग अलग स्कूल में पढ़ने की वजह से मुलाकात कम होती थी। बस जब इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन होता था तभी दोनों मिल पाते थे। दोनों की बातें ज्यादातर फोन या मैसेज पर ही होती थी। इस दौरान दोनों के बीच कुछ ऐसा हुआ कि 10 साल तक दोनों की बातचीत बंद हो गई। दरअसल एक बार जब ईशा और भरत एक दूसरे से मिले थे तब भरत ने ईशा का हाथ पकड़ने की कोशिश की। इस बात का ईशा को बहुत बुरा लगा और उन्होंने भरत से कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा हाथ पकड़ने की। ये बोलते ही ईशा ने भरत के गाल पर तुरंत थप्पड़ जड़ दिया। हालांकि इस घटना के बाद भी भरत का प्यार कभी ईशा के लिए कम नहीं हुआ। भरत की ईशा की बहन अहाना के करीबी दोस्त थे। फिर एक बार 10 साल बाद दोनों की मुलाकात निगारा फॉल्स पर हुई। इस मुलाकात के दौरान भरत ने ईशा से पूछा कि क्या वो अब ईशा का हाथ पकड़ सकते हैं। इस बार ईशा भरत को देखकर पिघल गई और उन्होंने तुरंत हाँ कर दी। धीरे धीरे दोस्ती प्यार में बदल गई और ईशा देओल ने फिर हेमा मालिनी को भरत के बारे में बताया। हेमा मालिनी को भरत बहुत पसंद आए। इसके बाद भरत ने धर्मेंद्र से मुलाकात की। दोनों ने लगभग 1 घंटे तक एक दूसरे से बातचीत की। घर वालों की रजामंदी के बाद दोनों ने 2012 में शादी कर ली। इनके बच्चों की अगर बात करें तो दोनों की 2 बेटियां हैं जिनके नाम राध्या और मिराया हैं।